walking away. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. So, alright guys, अभी रात का 10 10 बज रहा है और आपका भाई को जो है ना पता नहीं क्यों अचानक से रात में व्लॉग स्टार्ट करने का मन आ गया। एक्चुअली मेरा ना एक काफ़ी बड़ा ड्रीम है और जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ यूट्यूब ही पूरा कर पाएगा और उसके लिए मैं मतलब काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ और बीच बीच में मतलब मैं गुम भी हो जा रहा हूँ। बीच बीच में मैं मतलब वो जो मेहनत है उसको बरकरार नहीं रख पा रहा हूँ और ऐसे ही कुछ दिनों से हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा है कि मैं उसको चेस करूँ, वो जो ड्रीम है उसको चेस करूँ। मैं पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि छोड़ो यार जाने दो, ऐसा वाला फीलिंग्स आ रहा है। तो एक्चुअली आई हैव अ बुक जो कि मैंने अमेजोन से काफ़ी पहले ख़रीदा था और उसको पढ़ रहा था मैं। तो अभी भी मतलब जस्ट कुछ मतलब आधा घंटा पहले उसी को पढ़ रहा था खाना वाना खा के। तो उसमें कुछ लाइन्स था, वो लाइन्स पढ़ के मैं इतना मोटिवेट हो गया ना भाई साहब क्या बताऊँ, इतना मोटिवेट हो गया ना, मतलब पूरी तरह से कनेक्ट हो गया था मैं उस लाइन से। तो मतलब मैं सो के मतलब आराम से बुक पढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन उस लाइन्स की वजह से वो लाइन इतना टचिंग था तो मैं ना उठ के बाहर आ गया और कैमरा सेट किया और अभी मैं रूम के अंदर व्लॉग कर रहा हूँ। ये व्लॉग जो है कल मैं कंटिन्यू करूँगा, देखते हैं। मुझे भी पता नहीं मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगा या नहीं, बट देखते हैं। तो अभी कुछ काम है वो करूँगा और सो जाऊँगा, उसके बाद मिलूँगा कल आप लोगों से सीधा बाइक पर। तो या अभी सोते हैं और आप लोग भी सो जाओ, टाइम पे सोना वैसा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Alright, yeah, it's recording. Let's go. ओहो, कल मैंने बाइक धोया और चेन भी क्लीन किया तो बाइक काफ़ी हल्का लग रहा है। हमेशा ऐसा होता है मुझे, मतलब जब भी मैं बाइक को अच्छी तरह अपने हाथों से धोता हूँ ना, मतलब इसका कुना कुना जो जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता वहाँ ब्रश से साफ करके दो तीन घंटा लगा के जब धोता हूँ ना तो बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि बाइक थोड़ा ज़्यादा भाग रहा है, मतलब हल्का हो गया बाइक। तो आपका भाई एज ऑलवेज लेट है, एक्चुअली पहुँचना था 8:30 को लेकिन अभी यहाँ पर ही 9 बज गया है और जाने में आई थिंक 20-25 मिनट्स लग जाएगा ऑफिस पहुँचने में। तो आपका भाई को आज भी मिलने वाला है डांट। सो गाइज, एक्चुअली कल से ना मुझ में फिर से डेली व्लॉगिंग वाला एनर्जी आ गया है और पता नहीं कब तक रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है भाई साहब इस बार। और या अभी डायरेक्ट में मिलूँगा ऑफिस में, तब तक के लिए आप ये मतलब थोड़ा क्लाउडी था जब मैंने ये ड्रोन शॉट्स लिया था तो ये क्लाउडी वाला थोड़ा मतलब उतना क्लियर नहीं है, बट फिर भी आप ये ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। तब तक हम पहुँचते हैं ऑफिस में क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है। So, alright guys, पहुँच गए हम ऑफिस और भाई साहब बाहर काफ़ी ठंड है, ज़बरदस्त ठंड है। पहले तो मैं मतलब ऐसा जेब खोल के स्वाइप में बाइक चला रहा था, सिर्फ 2 मिनट चलाने के बाद पूरा फट गया मेरा बाइक, रोका क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा सस्ता वाला स्वाइप काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो मैंने जेब लगाया उसके बाद आया और अभी मैंने लैपटॉप भी लेके आया मेरे साथ, कम से कम 10 किलो है भाई साहब, इतना हैवी है ना मैं क्या बताऊँ। 1947 ऐसा ही कुछ मॉडल है वो, काफ़ी पुराना है। जस्ट जोकिंग। तो अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे सेटअप लगाएंगे, आज काम भी नहीं है मेरा तो जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ मैं यहीं पे एडिट कर लूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक I'm so
दोनों सेटअप जो है हो चुका है और अभी जल्दी जल्दी एडिटिंग करेंगे और यहाँ मिलेंगे थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो मैंने हाफ ऑफ द ब्लॉग जो है एडिट कर चुका है, मतलब 4 मिनट 26 सेकंड्स का मतलब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बज रहा है 12:30 और मुझे निकलने का भी टाइम आ गया, तो मैं अभी यहाँ से ऑफिस से नीचे जाऊँगा, नीचे में थोड़ा बहुत काम है। और मतलब आज का ब्लॉग जो है मतलब ऐसा ही, मतलब छोटा सा पर्सनल लाइफ देखने को मिला आपको मेरा, मतलब उतना कोई खास तो नहीं था, बट फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन YouTube। और अभी यहाँ से निकलूँगा मैं जल्दी जल्दी और यहीं से फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होगा जो कल आएगा। तो आपका भाई ऑन फुल जोश में, तो यार जल्दी जल्दी निकलेंगे यहाँ से और दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करना है भाई साहब। तो अगर अच्छा लगा तो आप लोगों को पता ही है क्या करना चाहिए, गिव दिस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब, कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिए ज़रूर। और कमेंट सेक्शन आपका ही है, उसमें आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो, कुछ भी लिख के ऐसा ऐसा कुछ भी लिख दीजिए लेकिन लिखिए जरूर। तो या एज ऑलवेज थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।